नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के जरिए आपको अपना मोबाइल डिवाइस यूज़ करके बिग ब्लू बटन वेबिनार प्लेटफॉर्म टूल यूज़ करके ऑनलाइन अधिवेशन में कैसे भाग लेना है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आपको अपना ऑनलाइन अधिवेशन का लिंक पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो लिंक ब्लू कलर में दिखेगा। आप उस लिंक को लॉन्ग प्रेस कीजिए ताकि वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप अपना डिवाइस में जहाँ पे गूगल क्रोम है वहाँ जाइए और जहाँ पे सर्च और टाइप वेब एड्रेस लिखा है वहाँ जाके उस लिंक को पेस्ट कीजिए। जब वो लिंक को पेस्ट करेंगे वहाँ पे तो जो भी लिंक कॉपी हो गया था वो अभी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे वाला ब्लू बटन दबाए तभी आपका अधिवेशन का रूम खुलेगा जहाँ पे आप अपना पूरा नाम टाइप कीजिए और ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। जब आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तब आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक माइक्रोफोन ऑप्शन, एक लिसन ओनली मोड ऑप्शन। हमारा अनुरोध है कि आप हमेशा अभी अधिवेशन में माइक्रोफोन ऑप्शन में ही ज्वाइन करें, तो उसके ऊपर क्लिक करें तभी आपको अनुमति पूछेगी, उसके ऊपर अलो करें और तभी एक छोटा सा एक और टेस्ट होएगा। जब वो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद थम्स अप साइन पे क्लिक करिए। अभी आप अधिवेशन में शामिल हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको चार आइकन दिखेंगे नीचे अपने स्क्रीन पे। पहला वाला जो है माइक्रोफोन ऑप्शन है वो म्यूट पे रहेगा। जब भी आपको बात करना है उसको क्लिक कीजिए और बात कीजिए, उसके बाद फिर से क्लिक कीजिए ताकि आप म्यूट हो जाएंगे। दूसरा आइकन जो है वो रिसीवर आइकन है, जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और माइक्रोफोन आइकन भी आपको अभी नहीं दिखेगा। अगर आपको फिर से वापस ऑडियो में ज्वाइन करना है तो उसी आइकन पे क्लिक कीजिए और माइक्रोफोन ऑप्शन चूज़ कीजिए और अभी आप जब थम्स अप साइन पे क्लिक करेंगे तब अधिवेशन में वापस ऑडियो के जरिए शामिल हो गए हैं। तीसरा आइकन जो है वो वेबकैम का है, वो अभी हम फिलहाल डिसेबल करके रखेंगे क्योंकि वो काफ़ी नेटवर्क बैंडविड्थ लेता है। यहाँ पे एक हाथ का सिंबल है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फैकल्टी को पता चलेगा कि आप कुछ बात करना चाहते हैं और वो आपको बात करने की अनुमति देंगे। आपको बात होने के बाद फिर से उसी आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपका हाथ नीचे हो जाएगा। आप लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति का आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब आपको इस अधिवेशन में कितने भी लोग शामिल हैं उन सब का नाम दिखेगा। अगर आप इस अधिवेशन में सबके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो आपको पब्लिक चैट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब एक विंडो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं जो सभी लोगों को दिखेगा। अभी देखिए रघु सर ने गुड मॉर्निंग बताया, वो सभी पार्टिसिपेंट को दिखेगा। अभी आनंद सर ने भी हाई बताया, वो भी सभी लोगों को दिखेगा। अगर आपको सबसे चैट नहीं करना है, सिर्फ एक ही व्यक्ति से चैट करना है तब तो उसी व्यक्ति के नाम के ऊपर क्लिक कीजिए और एक प्राइवेट चैट का विंडो खुलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और मैसेज टाइप कीजिए। अभी देखिए रघु सर सिर्फ आनंद सर से कुछ प्राइवेट में चैट करना चाहते हैं तो अभी वो जो भी टाइप करेंगे मैसेज वो सिर्फ आनंद सर को दिखेगा। ऐसे आप पब्लिक चैट और प्राइवेट चैट दोनों यूज़ कर सकते हैं और व्यक्ति के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आप वापस फिर भी आ जाएंगे। अगर आपको इंटरफेस चेंज करना है तो तीन डॉट्स पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर सेटिंग्स आ जाएंगे, वहाँ पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो लैंग्वेज इंग्लिश दिख रहा है, उसको आपको हिंदी में चेंज करना है तो वहाँ क्लिक कीजिए और हिंदी चूज़ कीजिए।
उसको सेव कीजिए। जब आप उसको सेव करेंगे तब आपका बिग्लू बटन का इंटरफेस हिंदी में बदल जाएगा। जो आप देख सकते हैं उस व्यक्ति का आइकन पर क्लिक करके कि आपका बिग्लू बटन इंटरफेस अभी हिंदी में चेंज हो गया है। उसी व्यक्ति के ऊपर क्लिक कीजिए, वापस आ जाएगा। अगर आपको विंडो काफ़ी छोटा लगे तो चार एरो में क्लिक कीजिए ताकि वो फुल स्क्रीन पे आएगा। और अपना मोबाइल डिवाइस का भी रोटेट ऑप्शन ऑन कर सकते हैं ताकि लैंडस्केप मोड में भी दिखेगा। अभी देखिए वो चार एरो पे क्लिक कीजिए ताकि फुल स्क्रीन पे आपको अधिवेशन दिखेगा। अगर आपको पिछले ऑप्शंस में वापस लाना है तो अभी फिर से वही चार एरो पे क्लिक कीजिए ताकि आप पिछले ऑप्शन में वापस आ जाएंगे। अधिवेशन खत्म होने के बाद वो तीन डॉट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे एक लीव मीटिंग है, वहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि आप अधिवेशन से लॉग आउट हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।